चलिए ठीक है मम्मी जी, ओके बाय, ओके बाय, हैप्पी जर्नी, ओके बाय, ठीक है, ठीक से जाना है, हाँ हैप्पी जर्नी, थैंक यू। जहाँ तो चलिए भराते हैं अब तेल, तो उसके बाद निकलते हैं हम भी। नमस्कार जी, बढ़िया, तुम पिक्चर लगो आज पौड़ी से नगर। अच्छा जी, तो दोस्तों फाइनली बस भी आ चुकी है पौड़ी जाने के लिए, ये देखिए भाई। अब हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ संजय रावत और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से नए ब्लॉग में, संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी एकदम फर्स्ट क्लास है और आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने प्यार से गाँव अनपुर से, और सुबह के बज रहे हैं 7। और दोस्तों आज मेरा जाना हो रहा है पौड़ी श्रीनगर, तो कल मेरी वहाँ श्रीनगर में मीटिंग है, तो मैं आज ही निकल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कल निकलूँगा तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों आप सबको भी ले चलते हैं पौड़ी श्रीनगर, तो दोस्तों आप लोगों को भी सफ़र का आनंद दिलाते रहेंगे रास्ते का, तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। अभी तो मैं घर पे हूँ, अभी थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ घर से, तो बने रहिए ब्लॉग में भाई। और आज का मौसम भी ये देखिए भाई कैसा हो रखा है, एकदम थोड़े हल्के हल्के से बादल आ गए हैं, मौसम एकदम क्लियर नहीं है, तब देखो जो भी होगा। ये देखिए इस साइड को तो कितने खतरनाक वाले बादल लग रहे हैं, ये देखिए पूरा आसमान कैसा लग रहा है। शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, ओ शिमले निवसना कसौली निवसना। तो चलिए दोस्तों मैं भी निकलता हूँ घर से और आपको मिलते हैं अब आगे के सफर में, जहाँ पे भी मेरा स्टेशन रुकना होगा। तो चलिए ठीक है मम्मी जी, ओके बाय, ओके बाय, हैप्पी जर्नी, ओके बाय, ठीक है, ठीक से जाना है, हाँ हैप्पी जर्नी, थैंक यू। जहाँ चलिए दोस्तों फोन कर दे। तो मामा जी भी आ गए हैं भाई गौशाला में, तो मामा जी ठीक है, गुड मॉर्निंग, अच्छा ठीक है, बाय बाय बाय, आपकी यात्रा शुभ, धन्यवाद, आराम से जाना, ठीक है मामा जी। और हम जाएंगे अब अक्षय भैया के साथ, अक्षय भैया जा रहे हैं आज कोटद्वार शादी में, तो हम चलेंगे सतपुली तक अक्षय भाई के साथ। चलिए तब तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बेदीखाल में, और बेदीखाल से भरेंगे अब हम तेल, तो उसके बाद निकलते हैं। तो चलिए भराते हैं अब तेल, तो उसके बाद निकलते हैं हम भी। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं संगलाकोटी मार्केट में, ये देखिए भाई ये रहा संगलाकोटी मार्केट। तो यहाँ भी सड़क काफ़ी चौड़ी हो चुकी है अतिक्रमण के कारण, नहीं तो यहाँ पर से मकान स्टार्ट थे, अब तोड़ ताड़ के ऐसे बना दिए हैं। नमस्कार जी, बढ़िया, तुम पिक्चर लगो आज पौड़ी से नगर। अच्छा जी, और कुछ तो चलिए अब हम भी निकलते हैं यहाँ से। ठीक से जाना, ठीक है, ओके बाय। तो दोस्तों मैं भी पहुंच चुका हूं सतपुली से, आगे ही थोड़ा उतर गया हूं, और यहां से मुझे अब पौड़ी के लिए बस पकड़नी है, तो पौड़ी रोड पे ही रुक गया हूं, यहीं से मिल जाएगी मुझे, खामखा आगे क्यों जाऊं फिर जब इधर ही जाना है तो। और यहां देखिए भाई सोलर प्लांट कितने सारे लगे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली बस भी आ चुकी है पौड़ी जाने के लिए, ये देखिए भाई अब देखते हैं सीट कैसी होगी।
दोस्तों मैं भी पहुंच चुका हूं पौड़ी। ये देखिए भाई कितनी भीड़ भाड़ हो रखी है यहाँ पौड़ी में। तो जिला ही हुआ भाई तो भीड़ भाड़ भी होगी। ये देखिए जगह नहीं मिल रही इधर उधर जाने के लिए, गाड़ियों की भी भीड़ भाड़ और आदमियों की भी भाई। पौड़ी पहुंच गया हूं और मैंने भी रूम ले लिया है, तो कल निकलते हैं अब आराम से श्रीनगर के लिए। तो चलिए अब कुछ खाना पीना खाते हैं, भूख भी लग गई है। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5 और शाम का नज़ारा देखिए भाई पौड़ी का एकदम। ये रहा भाई अपना पौड़ी, और आपको अपना रूम भी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए भाई ये रहा मेरा रूम, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस ये देखिए बस ऐसा ही है सिंपल सा। इस साइड को वॉशरूम वगैरह है, इधर को टीवी है। तो कैसा लगा भाई आपको मेरा रूम? उस साइड को तो बालकोनी हो गई, उधर को वॉशरूम है। ये देखिए और बाकी बॉडी का व्यू कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5 और चलिए तो फिर हम भी चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं पौड़ी, घूमते थोड़ा इवनिंग वॉक करते हैं, नज़ारे देखते हैं और आप लोगों के लिए भी थोड़ा थोड़ा कैप्चर करते हैं। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों ये देखिए भाई ये रही पार्किंग, ये पूरा पार्किंग एरिया है ये रहा। और बाकी ना ऊपर से आप नज़र लगाओ, ये देखिए पूरा पौड़ी। ये देखिए अभी तो इतना ही नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा है भाई पौड़ी। इतनी गौर से तो मैं भी आज ही देख रहा हूँ, और इस साइड से भी दिखाते हैं और इधर से भी देखिए भाई पूरा कितना बड़ा फैल रखा है ये पौड़ी भाई। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, रात को लगेगा अपना पौड़ी और भी झकास भाई जब लाइटें जगमगाएंगी। ये देखिए दोस्तों घूमते घूमते भूख लग गई, तो चलिए अब खाते हैं मोमो। तो दोस्तों रात का नज़ारा देखिए भाई पौड़ी का, लाइटें जल चुकी है। ये देखिए भाई पूरा पौड़ी, आधा तो आगे को नज़र भी नहीं आ रहा। बाकी ये देखिए क्या लाइटें जल गई है भैया, इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना। तो रात का नज़ारा तो कुछ अलग ही लग रहा है अभी पौड़ी का। ये देखिए तारों की तरह लाइटें जगमगा रही हैं, जिसे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब गाड़ियों की आवाजाही भी थोड़ा कम हो गई है दिन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब रात हो गई है, नहीं तो दिन में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ओ शिमले निवसना किसाली निवसना। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 8 और मैं भी रूम पे आ चुका हूँ, और थोड़ी देर में खाना खाने के लिए भी चलेंगे।
और आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे अच्छे अच्छे नए नए ब्लॉग देखने के लिए। तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले मज़ेदार ब्लॉग में।